डॉक्टर जी साहब, ये मैं आपको पूरे चुनाव भर मैं आपको देखता रहा। आपने बहुत सारी चीजों पे बड़ा गहनता से विश्लेषण किया। आज का जो हमारा मुद्दा है वो सिर्फ शिवपाल यादव या अखिलेश यादव की बात नहीं है, या फिर शिवपाल यादव भारतीय जनता पार्टी से के करीब जा सकते हैं या जा सकते हैं पार्टी में, ये भी बात नहीं है। मैं सिर्फ आपसे ये समझना चाह रहा हूँ, जो एक विस्फोटक परिस्थिति की बात पाठक जी कर रहे थे, क्या आपको भी उसी की थोड़ी बू आ रही है क्या? क्या समाजवादी खेमे में या एक जो विपक्ष की पॉलिटिक्स है उसमें कुछ विस्फोटक परिस्थितियां पैदा हो रही हैं क्या? देखिए, विस्फोटक परिस्थिति का क्या संदर्भ है वो मुझे नहीं पता। चुनौती तो हमेशा ये होती है कि आप जितना बड़ा गठजोड़ बनाते हैं राजनीति में, उस सब को समेटे रहना, अपने विधायकों को, अपने सहयोगी दलों को, ये हमेशा से मुश्किल रहता है। और मुश्किल सत्ता में रह करके कम होता है, क्योंकि सत्ता में आपके पास इतना कुछ होता है कि आप सबको बांटते रहें, सबका खुश सबको खुश करते रहें, मुंह बंद करते रहें। बहुत सारे मौके होते हैं। आप किसी को बहुत अच्छा मान करके अनुप्रिया पटेल और संजय निषाद की तरह भी खुश कर सकते हैं, तो आप किसी अपने दूसरे राज्य के सहयोगी दल का मुकेश सहनी वाला हाल भी कर सकते हैं। ये सब कुछ बिल्कुल सही। आपके हाथ हाँ में होता हाँ सही बात। विपक्ष के लिए चुनौतीपूर्ण इसलिए होता है क्योंकि विपक्ष के पास सबकी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए अवसर नहीं होता। अवसर तो नहीं होता। संघर्ष एक अवसर है, संघर्ष करना है। विपक्ष की भूमिका लोकतंत्र में ही संघर्ष की होती है, जनता के पक्ष की होती है। जनता चुन करके जिन्हें सत्ता में बिठाती है वो जनता से दूर होते हैं, जनता के पास होता है वो विपक्ष होता है। नहीं और डॉक्टर, विपक्ष हाँ डॉक्टर साहब, ये विपक्ष की भूमिका अखिलेश यादव शायद पूरी ताकत से अदा करना चाहते हैं, इसीलिए उन्होंने ये फैसला किया कि वो लोकसभा छोड़ें और विधानसभा में रहें। लेकिन जो उन्होंने जो परिस्थितियां उनके परिवार में ही, यानी सैफई परिवार में जो कुछ भी 2017 में घटा वो 2022 में भी घटता हुआ क्या आप देख रहे हैं? क्योंकि शिवपाल यादव फैक्टर क्या अब खत्म हो गया है? क्या अखिलेश यादव को इसकी परवाह नहीं है कि मीडिया जो एक नैरेटिव बना रहा है कि चाचा भतीजा ही जब एक नहीं है, उन्हीं में एका नहीं है, तो फिर ये भारतीय जनता पार्टी के इतने मजबूत मैकेनिज्म का मुकाबला कैसे करेंगे? मैं इस संदर्भ में आपसे समझना चाह रहा हूं। देखिए, ये जो भी इस समय राजनीतिक दौर है ना, वो जो नैरेटिव बनाने वाली ताकतें हैं या उसको प्रोपोगेट करने वाली ताकतें, वो तो सत्ता के पक्ष में बैठी हुई हैं। क्योंकि झगड़ा तो मोदी, अमित शाह और योगी में कम था क्या? लेकिन जो उभर के नहीं आया, वो सतह पे नहीं आया। नहीं, मैं उसी की बात कर रहा हूँ कि जो उभर के नहीं आया, क्योंकि उभारता कौन है? अखबार में खबर कौन छापता है? टीवी पर डिबेट कौन करता है? तो अखबारों में खबर क्या चली थी कि मथुरा में अपराधी की जाति यादव, अखिलेश यादव की जाति यादव? तो टीवी पर टैग लाइन चली, यादव यादव अपराध, जो जाति से जोड़ा गया। पूरे 5 साल में आपने कहीं ठाकुर ठाकुर अपराध, ब्राह्मण ब्राह्मण अपराध नहीं देखा। ब्राह्मण का जिक्र तब हुआ होगा जब कहा गया कि ब्राह्मण नाराज है बीजेपी से, और सीएसटीएस लोक नीति का सर्वे कहता है कि 86% ब्राह्मणों ने बीजेपी को ही वोट दिया। बीजेपी को वोट ये दिया, बिल्कुल सही। कौन बहस कर मुद्दा तय करता है? कौन लोग हैं ये सब करने वाले? एक तो पक्ष इसका देखिए ये है कि आप कुछ भी करें, जब मीडिया का की भूमिका जन सरोकारी हो करके जनता के सवाल या विपक्ष को एक सामान्य भूमिका में दिखाने तक की भी न रह जाए, वो केवल सत्ता का एक प्रोपोगेशन का एक मिशन मशीनरी बन जाए, कोई लोकतंत्र का पिलर न बचे, तो फिर तो मुश्किल होता है। नंबर मुश्किल एक। मुश्किल। नंबर दो, बात ये कि ऐसा इसका अर्थ ये नहीं है कि इनके पारिवारिक कलह नहीं है। पारिवारिक कलह है, परिवार को ज्यादा हावी करना कई बार राजनीति में फायदेमंद भी होता है, कई बार नकारात्मक भी होता है। तो इस समय जो नकारात्मक पक्ष है वो इनका 2017 के चुनाव में आया। लेकिन एक बात ये है कि राजनीति में परिवार अलग अलग तरीके से काम करता है। राजनीति में जरूरी नहीं है कि परिवार का एकजुट होना आपको सफल कर देगा। पूरा कुनबा अगर अच्छा। रहे तो आप बीजेपी को हरा देंगे, ये कोई जरूरी नहीं है। शिवपाल यादव जमीनी नेता के तौर पर रहे हैं, उनकी बूथ पर पकड़ रही है, उनकी दखल है। मेरा मेरा कहना ये कि एक बड़ा व्यक्ति होगा तो बड़ी राजनीतिक दूरदृष्टता का होगा, तो सबको जोड़ने की कोशिश करेगा, न तो एक देश
एक भी सहयोगी दल छिटके, न उनके पुल्ले के लोग छिटके, ये आपकी राजनीतिक इम्तिहान है। लेकिन हाँ, ये भी उदाहरण है कि अन्ना आंदोलन से पैदा हुई एक पार्टी जो पॉलिटिक्स में डिफरेंस लेकर के आई थी, उसने सारे डेमोक्रेटिक सेटअप को खत्म किया। दिल्ली में एक चेहरे पर चुनाव लड़ते जा रहे हैं, चुनाव जीतते जा रहे हैं, एक चेहरा ही संयोजक है, एक ही चेहरा मुख्यमंत्री है, सारा संविधान किनारे, जिन मुद्दों पर चुनाव लड़ा था वो किनारे, फिर भी सफल है आप, तो आपके ऊपर कोई आरोप नहीं लगेगा, कोई आरोप नहीं, तो आपकी हर चीज पे सवाल उठेगा। विपक्ष की जिम्मेदारी अगर अच्छे से निभानी है तो सबको जोड़िए, लेकिन चाचा को भी समझना चाहिए कि क्या इस समय की मांग है। अपनी मांग महत्वाकांक्षा पूरी तब होगी जब सपा के पास कुछ बचेगा, तो आप उससे बार्गेन करेंगे। तो ये बहुत सारे पहलू हैं इस पूरे बहस के जिसको आधार पर देखते हैं। लक्ष्मण जी, ये आप जो बात कह रहे थे कि शिवपाल यादव की को इस समय अपने महत्वाकांक्षाओं पर थोड़ा कंट्रोल रखना चाहिए था, लेकिन आपको क्या लगता है कि क्या जड़ है? ये जो टसल पिछले 5-6 साल से खत्म नहीं हो रही है और लगातार अलग अलग तरह की चीजें निकल कर सामने आ रही हैं। अगर आप सोशल मीडिया को भी देखें और लोगों की प्रतिक्रियाएं भी सुने, तो लोग लगातार ये कह रहे हैं कि इस झगड़े को अब खत्म होना चाहिए, इस पे अब विराम लगना चाहिए। क्या आपको लगता है कि क्या वो कारण है जिसकी वजह से ये सपा के अंदर ये खत्म नहीं हो रहा? नहीं, देखिए, एक बात तो ये कि महत्वाकांक्षा केवल शिवपाल यादव की नहीं, और महत्वाकांक्षा बुरी चीज भी नहीं होती। कोई भी व्यक्ति राजनीति में है तो बिना महत्वाकांक्षा के नहीं होता है। सही बात। और जिसने पार्टी को बहुत मेहनत से सींचा हो, बहुत मेहनत किया हो, कार्यकर्ताओं में उसकी पकड़ हो, तो ऐसा नहीं है कि उसके सारे काम और उसकी सारी चीजें पार्टी को उसकी जरूरत नहीं है। तो शिवपाल यादव से ज्यादा खतरनाक लोग तो पार्टी के कार्यकर्ता कहते हैं, सोशल मीडिया पर लोग लिखते हैं कि अखिलेश यादव के आसपास जो सिपह सालार बैठे हैं उनको लेकर बड़ी नकारात्मक, बहुत विरोध देखने को मिला हाल फिलहाल के दिनों में, बहुत विरोध है 10 तारीख के बाद से। और तो और पार्टी के लोग खुल के लिख रहे हैं, मैं तो कुछ क्या मुझे पता ही नहीं। सही बात, उनकी पार्टी है, वो लोग जाने। लेकिन अगर एक बात है, पार्टी पॉलिटिक्स में अगर कोई कोई राजा अगर अपने चारण भाट कवियों को रखता है, दरबारी लोगों को रखता है, तो इसका दोष केवल दरबारी लोगों पर नहीं है जब वो कोई गलत राय दें या राज को डुबो दें। भाई, राज व्यक्ति की पहचान किसकी है? राजा को होनी चाहिए थी। एक हमारे यहाँ कवि है बिहारी, उन्होंने अपने दरबारी राजा के लिए कविता लिखी थी कि नहीं पराग नहीं मधुर मधुर, नहीं विकास एकाल, और अलकल हीते बंदयो आगे कौन हवाल। तो माना जाता है कि इसके बाद राजा एकदम वो बेचैन हो गया कि ये तो भोग विलास में पूरा राज हमारा नष्ट हो जाएगा। और उस कवि ने जो एक एक पंक्ति कह दी, उससे उस राजा का जीवन बदल गया। कहने का मतलब ये है कि बड़े बड़े चापलूस तो लोग लिख रहे हैं, पार्टी के लोग लिख रहे हैं कि समाजवादी पार्टी लिख रहे हैं, अखिलेश यादव के आसपास है, कोई MLC का चुनाव बढ़ने जा रहा है तो पर्चा फाड़ दिया जा रहा है, थप्पड़ खा रहा है, इतने बड़े लोग जो टिकट बांटते हैं, बहुत सारी चीजें सपा में चले, परिवार हावी है, बहुत सारी चीजें। देखिए, इन सब चीजों से आपने बीजेपी का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल सही, आप अपनी उसमें उलझे रहेंगे। सही बात। पार्ट टाइम पॉलिटिक्स अगर आप करेंगे, मौसमी राजनीति करेंगे, जितना सक्रिय 5 साल दिखना चाहिए उतना सक्रिय 5 महीने दिखेंगे। यह बात ध्यान देते हुए कि जितने सक्रिय आप होंगे उतने आप पर मुकदमे होंगे, आपके लोग जेल में डाले जाएंगे, आपके लोगों का इनकाउंटर भी हो सकता है, आपके लोग लाठियों से बेरहमी से मारे जाएंगे। सपा के कार्यकर्ताओं पर जिस बेरहमी से लाठी उत्तर प्रदेश पुलिस मारती है, उतना तो रूस यूक्रेन पर बेरहमी नहीं दिखा रहा। ये बिल्कुल सच है, जिनसे आपकी लड़ाई है वो तो जिस बेरहमी से राजनीति करेंगे तो दिख भी रहा है पूरे देश। अब लक्ष्मण जी, कम से कम ये रूस और यूक्रेन का तो इसमें संदर्भ ना लाइए, नहीं तो लोग ये कहेंगे कि यहाँ भी इंटरनेशनल मुद्दे टांस दिए गए हैं। चलिए मुस्तफा जी, एक हाँ जी मुस्तफा जी, हाँ बात पूरी कर ली। मेरा कहना ये है कि जिनसे जिनसे आपका संघर्ष होता है ना, रूस और यूक्रेन तो मौसमी तौर पर एक तंज है। जो शिवपाल सिंह यादव हैं, अखिलेश यादव हैं, या पूरी समाजवादी पार्टी, एक मौका मिला है कि आप अपनी विचारधारा पर वापस लौट करके संघर्ष करिए। दूसरा ये कि जितने भी कलह हैं, नेता का मतलब ये होता है कि या तो कलह को शॉर्ट आउट कर ले, या नाराज लोगों को अपने मिला ले, और या तो उनको तुरंत किनारे कर दे,
तुरंत किनारे कर, राजनीति में ये नहीं चलता कि ये आप फ्लिप फ्लॉप नहीं चलता है, बहुत दिन तक खींचते रहे। परिवार होने के नाते ये दिक्कत आ रही है, वो चचा है, एक चचा का बात दूसरे चचा शिकायत करते हैं, तीसरा कोई और है, बहुत सारी चीजें, ये दिक्कत आ रही है। लेकिन ओवरऑल राजनीति में अगर ये लंबा खींचेगा तो पूरे सियासी दल का, पूरी उनकी राजनीति का नुकसान ही करेगा, नुकसान होगा। डॉक्टर लक्ष्मण यादव जी, क्या शिवपाल यादव राजनीतिक तौर पर चुके हुए नेता हो गए हैं अब उत्तर प्रदेश में? और जो बात रत्नेश पाठक जी ने कही, डॉक्टर साहब ने कही कि भारतीय जनता पार्टी की जो मशीनरी है, उनका जो सिकंदर जैसा उनके जो घोड़े हैं वो लगातार दौड़ते रहते हैं, वो उन दौड़ते हुए घोड़ों के बरक्स क्या समाजवादी पार्टी के घोड़े अभी अस्तबल में बंधे हुए हैं, या अस्तबल में घोड़े की जगह पे कोई और है जो हमको घोड़ों जैसा दिख रहा है, क्या वो खच्चर है क्या? नहीं, पहली बात ये कि जो किसी नेता की प्रासंगिकता है या खत्म हो गई है, ये हम जैसे लोगों का काम नहीं है, ये तो हम विश्लेषण कर सकते हैं, बहुत करेंगे तो विश्लेषण के संदर्भ में प्रयास लगा सकते हैं कि किसकी कितनी भूमिका है, कितना कौन महत्वपूर्ण बचा है। लेकिन असल में राजनीति में बहुत कुछ तो वोट से तय हो रहा है ना। अगर अगर वोट पड़ रहे हैं तो आप सिकंदर हैं, अगर आप वोट तो उनको अच्छे मिले, मुद्दा नहीं देखेंगे, मुद्दे पर बात नहीं होगी। और दूसरी बात, मैं ये बात नहीं कह रहा कि शिवपाल यादव की प्रासंगिकता खत्म हो गई है। समाजवादी पार्टी को एक बात सोचनी चाहिए कि आज भी शिवपाल सिंह यादव के पसंद करने वाले लोग उन्हें किस बात से पसंद करते हैं, राजनीति में उसकी भूमिका क्या थी, जिस बात के लिए शिवपाल सिंह यादव चाचा होने के बावजूद अहमियत रखते हैं, उस कद काठी का या उस मेहनत का, उस जमीन का व्यक्ति समाजवादी पार्टी में कोई दूसरा है क्या? अगर नहीं है तो पार्टी ऐसे लोगों के बिना क्या सर्वाइव कर पाएगी? ये जितने सिपहसालार और बहुत बड़े बड़े लोग केवल MLC के भरोसे चुनाव लड़ते हैं, मास लीडिंग पार्टी है वो, कैडर बेस्ड पार्टी नहीं है समाजवादी पार्टी। वो अपने अपने कैडर की ट्रेनिंग के लिए 12 महीने में कोई कैडर ट्रेनिंग प्रोग्राम नहीं चलाती, उनके पास कोई कल्चरल विंग नहीं, अगर होगी भी कोई कल्चरल विंग तो वो बहुत हाशिए पर है, नंबर एक बात। तो इसलिए ये पार्टी को तय करना है कि आपके पास मेहनत करने वाले लोग, जमीन से जुड़े हुए लोग अगर हैं तो आप चचा को किनारे करके एकदम इस चैप्टर को खत्म करिए, आगे बढ़िए, और अगर नहीं है तो फिर आपको मनाना चाहिए ऐसे लोगों को जो आपकी पार्टी के फायदेमंद है, तो ये उनको तय करना है। और चचा को भी देखिए, कोई बहुत विचारधारा से अपमान और ये सब बहुत राजनीति में मायने नहीं रखता। अपर्णा जी की कोई राजनीतिक कद नहीं है, एक प्रधानी का चुनाव नहीं जीत सकती वो, उनको इतना बड़ा करके इसलिए पेश किया जाता है कि वो उनके परिवार की हैं, चुनाव के ठीक पहले ज्वाइन कराया गया, वो तो एक सिंबॉलिक सिंबॉलिक है। एग्जैक्टली वो उसका उसका एक, एक, एक चुनाव के दौर में उसका एक उपयोग था। और बीजेपी तो सिंबॉलिक पॉलिटिक्स की महारथी है। हाँ, सब लोग करते हैं, इन्होंने भी स्वामी प्रसाद मौर्य को इन मौके पर खींच करके उनके जाने कितने विधायकों के टिकट कटने से बचा दिए, बीजेपी उस समय बैकफुट पर थी। ये सारे लोग राजनीति करते हैं दाव पे। आखिर दूसरा पहलू जो आपके सवाल का है कि ऐसा नहीं है कि बीजेपी हमेशा ऐसी रही है, ये 2014 के बाद की बीजेपी को, यानी 8 साल की बीजेपी को हम देख करके ये विश्लेषण करने लगे हैं कि जैसे लगता है कि अपराजेय हैं ये, अनवरत मेहनत करने वाले लोग हैं, इनकी भाषा बहुत अच्छी है, इनके मुद्दे बहुत अच्छे हैं, ऐसा नहीं। हाँ, ये जो बदली हुई बीजेपी है, जिसने बहुत हद तक कारपोरेट घरानों से पैसा लेना और करोड़ों करोड़ रुपए की एक रैली करना, भावनात्मक मुद्दों को इतना हावी कर देना कि लोग अपनी जान जाने, नौकरी, शिक्षा सब भूल जाएं, एक फिल्म के नाम पर जो इस समय देश में हो रहा है, ये इसके पहले कब कोशिश की थी कांग्रेस ने, कोशिश की थी रामायण टीवी टीवी आई हमारे यहाँ तो रामायण चला था, कांग्रेस ने भी कोशिश की, सॉफ्ट हिंदुत्व तो हार्ड हिंदुत्व सब चलता है। तो ऐसा नहीं है कि बीजेपी बहुत कुछ अप्रत्याशित कर रही, सत्ता में आप हैं, आपके पास एक मतलब एक बड़ा मिशनरी का तंत्र है, क्षेत्रीय दलों की अपनी सीमा होती है, क्षेत्रीय दल उससे ज्यादा न तो उनके पास पैसा देने वाला कोई है, 400 करोड़ रुपए की संपत्ति तो आज बहन जी के भाई की जब्त हो गई, तो ये तो होता रहता है। बड़ी पार्टी होने का फायदा, एक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन जो उनके पीछे है उसका फायदा, और उस कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन में जो डेडिकेशन के साथ लोग काम करते हैं उनको पैसा मिलता है, उनको सब कुछ मिल रहा है, मीडिया उनके साथ है, तो भाई 24 घंटे 24
घंटे सातों दिन और 12 महीने काम करने में क्या बुराई है, वो कर रहे हैं। तो इस बात से मैं सहमत हूं कि इनका मुकाबला करने के लिए इनसे ज्यादा पैसा तो आप देखिए जुटा नहीं पाएंगे, ईडी की रेट। मेहनत तो कर सकते हैं, मेहनत तो आपके हाथ में है, इस तरह की गलतियां ना हो ये भी आप कर सकते हैं। जनता के बीच भरोसा पैदा कर सकते हैं कि जिन बातों पर सत्ता जनता के खिलाफ खड़ी है, विपक्ष का नेता जनता के पक्ष में खड़ा है, ये आपके हाथ में है। आप हमेशा लड़ते हुए सड़क पर संघर्ष करते हुए मुकदमा झेलते जेल जाते हुए दिख सकते हैं। हालांकि लालू यादव जेल में है, मुझे नहीं पता कि उनसे बड़ा भ्रष्टाचारी इस समय तो देश में कोई है नहीं, तो वो जेल में है, बहुत कुछ होता है, लेकिन फिर भी चूंकि अगर आपको राजनीति करनी है तो आपको वो सारी कार्ड ढूंढनी पड़ेगी जो काट ढूंढनी आपकी नहीं को पड़ेगी। हाँ सफल करे।